श्री आशाराम जी गुरुकुल सूरत के ऋषि कुमारों द्वारा प्रस्तुत है एक छोटी सी नाटिका कर्म का अकाट्य सिद्धांत। आइए चलते हैं यमराज जी के दरबार में। चित्रगुप्त, आज की कार्यवाही शुरू करो। जी महाराज, सुजित नायक को हाजिर किया जाए। अरे 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 महाराज, इसे तो सीधा नरक में भेज दिया जाए। आज्ञा का पालन किया जाए। दया करो महाराज, दया करो, मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है? अभी अभी तो दुखद मृत्यु पाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। कितनी कष्टदायी मौत का सामना मैंने किया है और अब फिर नरक में जाना है? मुझे नरक में नहीं जाना महाराज, मुझे स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग की अभिलाषा लेके आया है। चित्रगुप्त, इसके जीवन का लेखा जोखा सुनाओ जरा। अरे मूर्ख मनुष्य, स्वर्ग में जाने के लिए कर्म भी अच्छे होने चाहिए। याद कर, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म अच्छा किया है कि तुझे स्वर्ग मिले? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तेरे जीवन में कोई भी अच्छा कर्म तूने किया हो ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। याद कर अपने जीवन को। आइए देखते हैं सुजित नायक के अतीत के कर्म। पिताजी, मेरी अच्छी जगह जॉब लगने वाली है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है पिताजी। कितने पैसे? करीबन 3 लाख रुपए चाहिए। अरे सुजीत की माँ, सुनती हो, अपने सुजीत को फिर पैसे चाहिए। हे भगवान, अब कुछ भी तो बचा नहीं अपने पास, मेरे गहने तो सब खत्म हो गए, अब तो बस ये घर ही बचा है। सही बात बोली माँ, इसे बेच देते हैं या तो गिरवी रख देते हैं, बाद में छुड़वा लेंगे। अरे बेटा, तो फिर हम तो रास्ते में आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। अरे सुजीत की माँ, अपना ही तो बेटा है, और घर का तो क्या, घर तो फिर आ जाएगा, एक बार बेटे की जॉब तो लग जाए। जो आपको सही लगे सुजीत के पिताजी। सुजीत के पिताजी घर को गिरवी रखते हैं। माता पिता के इस बलिदान से सुजीत की नौकरी लग जाती है। कई साल बीते हैं, सुजीत अपने माता पिता से दूर रहने लगा है और बुरे संग के अधीन हो जाता है। इसी बीच अपने माता पिता को बिना बताए वह शादी भी कर लेता है और आज वह बीवी के साथ अपने माता पिता से मिलने आया है। अरे सुजीत बेटा, इतने सालों बाद आए बेटा, पिताजी कितने बीमार है, कहाँ थे इतने दिन बेटा, हमारी याद नहीं आई बेटा तुम्हें? अरे यह कौन है साथ में? आपकी बहू है मॉम। शादी कर ली, हमें बताया तक नहीं। अरे बहू आ, मैं तेरी नजर उतार देती हूँ। अरे बुढ़िया दूर हो जा, मेरा पूरा ड्रेस गंदा कर दिया। अरे मॉम, आप तो गवार की गवारी है, चलो दूर हो जाओ। सॉरी डार्लिंग, ये गवार लोग नहीं सुधरेंगे। अरे बेटा, तेरी नौकरी के लिए हमने घर गिरवी रखा था, अगर उनको 5 लाख नहीं लौटाए तो वो घर हमसे छीन लेंगे। अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आए, अब 2 दिन के अंदर हमें उनको पैसे लौटाने हैं। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि मेरा बेटा सही समय पर आ गया। अरे डार्लिंग सुजीत, यह मैं क्या सुन रही हूँ, इतना सारा पैसा इन बुड्ढा बुड्ढी को क्यों देंगे हम? हमने जो अभी नया नया घर लिया है उसकी ईएमआई भी तो भरनी है। एक काम करते हैं,
इन बुड्ढा बुड्ढी को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और हम चले जाते हैं शहर में अपने नए घर में। ओह माय डार्लिंग, क्या सही बात बोली तुमने। इन बुड्ढा बुड्ढी को हम वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसे भी इस झोपड़े में रखा क्या है? इस झोपड़े के लिए हम 5 लाख रुपए क्यों दें? चलो बुड्ढा बुड्ढी, तुम्हारा झोला झोली सब समेट लो और चलो मेरे साथ वृद्धाश्रम में। अरे बेटा, हमारे साथ ऐसा मत कर, हमें वृद्धाश्रम मत। बस बस, मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ और ज्यादा नाटक मत करो, जल्दी चलो मेरे साथ। अपने बीवी के कहने पर सुजीत ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसके माता और पिता ने उसी वृद्धाश्रम में आखिरी सांस ली। अभी इन दिनों सुजीत की तबीयत बहुत ही खराब है और आगे। रेमो बेटा, थोड़ा पानी लाना बेटा। डैड, आई एम वेरी बिजी नाउ इन माय फ्री फायर। मॉम के साथ झगड़ा करके आपने उनको घर से भगा दिया। आपका सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मैं कंटाल गया हूँ आपसे। एक काम करता हूँ, आपको मैं वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ, आप भी खुश मैं भी खुश। सुजीत के बेटे रेमो ने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और जिस तरह से सुजीत के माता पिता की अंतिम सांस वृद्धाश्रम में पूरी हुई, उसी तरह सुजीत की भी आखिरी सांस वृद्धाश्रम में ही पूरी हुई। इस प्रकार सुजीत का दुखद अंत अपने कर्मों की वजह से वृद्धाश्रम में हुआ और हम चलते हैं यमपुरी। देखा सुजीत नायक, तुमने जैसा कर्म वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। और तुमने तो अपने जीवन में सत्कर्म किया ही नहीं, अपने माता पिता का आदर कभी किया नहीं, उनके जीवन में कभी खुशियों के पल तो दिए नहीं, उनके होठों पर कभी मुस्कान दी नहीं, तो तुम स्वर्ग की इच्छा कैसे कर सकते हो? चित्रगुप्त, इसे दिखाओ जरा, स्वर्ग में जाने के लिए कर्म कैसे होने चाहिए। देख, अर्जुन राठौर को भी, वह सद्गुरु का शिष्य है, उसने सत्कर्म और भक्ति का रास्ता अपनाया जिससे धरती में स्वर्ग सा सुख पा रहा है। यह है अर्जुन राठौड़। इनकी सुबह की शुरुआत होती है कर दर्शन से। पश्चात भूमि दर्शन, समुद्र बसने देवी, भगवान नाम जप। सत्संग श्रवण, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ऐसा कौन है जो ईश्वर के सिवाय कहीं मन लगाए और दुखी होकर नहीं मरा हो? सब कुछ छोड़कर न मरा हो और नीच योनियों में न भटका हो। तुम चाहे पत्थर में मन लगाओ लेकिन ईश्वर बुद्धि से लगाओ सालिग्राम, तो वहां से ईश्वर प्रकट हो जाएगा। नामदेव कुत्ते में मन लगाता है ईश्वर बुद्धि से, तो वहां से ईश्वर प्रकट हो सकता। एकलव्य गुरु में मन लगाता तो गुरु के द्वारा ईश्वरत्व प्रकट हो जाता। उद्देश्य ईश्वर का हो, बुद्धि में ये बात एक बार बैठ जाए बस। तथा माता पिता का पूजन, ये सद्गुण इनके जीवन में है इसीलिए इनका जीवन सुखदायी है। अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये सब सद्गुण इन्होंने कहां से पाए? सद्गुरु के सानिध्य से, सत्संग के श्रवण से। जिनके जीवन में सद्गुरु होते हैं उनका जीवन स्वस्थ सुखी व सम्मानित होता है।
वाह चित्रगुप्त वाह, जिनके जीवन में सद्गुरु एवं सत्शास्त्रों के अनुसार आचरण है उनका जीवन तो महकते गुलाब जैसा रहता है। यही तो महिमा है सद्गुरु एवं सत्शास्त्रों की। वे व्यक्ति को पतित नहीं होने देते, निरंतर उत्थान के मार्ग पर ही रखते हैं। धरती पर तो वे व्यक्ति सुखी रहते ही है, तत्पश्चात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन्हें मेरे यमदूत छू भी नहीं सकते। धन्य हो ऐसे सद्गुरु एवं ऐसे सत्शिष्यों की। इसे ले जाओ तुम कुंभिपाक नरक में। जो अपने माता पिता का सत्कार नहीं करता उसकी यही गति होनी चाहिए। चित्रगुप्त आगे की कार्यवाही शुरू करो। गुरु सेवत ते नर धन्य यहां, तिन कोन दुख यहां न वहां। तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, जो सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलता है, तो उसका जीवन यहां तो सुखी होता ही है, परलोक में भी वह सुख पाता है। अतः हम भी अपने पूज्य गुरुदेव के बताए मार्ग पर आगे बढ़ें एवं अपना जीवन धन्य धन्य बनाएं। अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का आदर करें एवं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। हरिओम हरिओम।